दोस्तों बात करूंगा आज आपके साथ यहां पे एक्स एम्पायर की। देखें 30 सितंबर को इसका एयर ड्रॉप आ रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसने एक ऐसी चीज मार्केट में लॉन्च की है जो आज से पहले हुई नहीं है। इसने कहा है कि आप अगर एक्स एम्पायर पे काम करते हो, जो आपने माइनिंग की है, एयर ड्रॉप आना ना आना बाद की बात है। जो आप माइनिंग करोगे, जो आप कॉइन इकट्ठे करोगे, वो आप सेल कर सकते हो, वो आप बेच सकते हो। जी हाँ, चलिए आपको जरा प्रूफ दिखाता हूं। ये मेरे सामने एक्स एम्पायर की कम्युनिटी है जिसमें वो कहते हैं कि जनाब फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार यू कैन बाय एंड सेल एक्स एम्पायर टोकन्स। आप एक्स एम्पायर के टोकन बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो बिफोर द टोकन लॉन्च, टोकन के लॉन्च होने से पहले। मतलब आपको एयर ड्रॉप की डेट का वेट ही नहीं करना पड़ेगा, आपको यह देखना ही नहीं पड़ेगा कि लिस्टिंग हुई है कि नहीं हुई। आप इस परेशानी में ही नहीं हैं कि कौन सी एक्सचेंज इसको लॉन्च करती है, लिस्ट करती है और कौन सी नहीं करती, किस पे क्या प्राइस है, टेंशन ही खत्म हो गई। अब इसके बाद कहते हैं दोस्त हु एक्सेल्ड इन माइनिंग, जो दोस्त माइनिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं, इन्वाइटेड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को इनवाइट करते हैं या कर सकते हैं या कर रहे हैं। अगर इनवाइट की बात करूं ना तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, ग्रुप बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन करो। जो भी आपने अकाउंट बनाया है, आपने हैमस्टर का बनाया है, आपने एक्स एम्पायर का बनाया है, आपने कैश का बनाया है, आपने जनाब कैटीजन का बनाया है, आपने टोमाटो का बनाया है, आपने ब्लम का बनाया है, कोई भी आपने बनाया है, उसका लिंक शेयर कर देना और ईमानदारी से सब ने उसको ज्वाइन करना है। और जो भी है सब एक दूसरे के ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, एक दूसरे के अकाउंट को ज्वाइन करेंगे ताकि सबके फ्रेंड वाला काम मुकम्मल हो जाए। उसके बाद कहते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन कैंपेन्स, यू कैन नाउ कन्वर्ट योर एक्टिविटी इन एन एक्सपायर टू इन टू एक्स एम्पायर वाउचर्स वर्थ 69,000 एक्स टोकन्स। तो आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वो आप उसको एक्स एम्पायर के वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। जी बड़ी अच्छी बात है। एंड ट्रेड देम ऑन गेट जेम्स, और गेट जेम्स पे आप उसको ट्रेड भी कर सकते हैं, चलिए उस पर ट्रेड करना भी सीखेंगे। उसके बाद कहते हैं गो टू द मिंट एनएफटी सेक्शन इन एक्स एम्पायर ऐप। अच्छा जी, हम मिंट एनएफटी सेक्शन में जाएंगे एक्स एम्पायर के, तो वहां पे सी हाउ मेनी वाउचर्स आर अवेलेबल फॉर यू टू मिंट, और वहां पे जाके देखो कि आपके पास कितने वाउचर अवेलेबल हैं मिंट के लिए। द मिंट एनएफटी सेक्शन इज लोकेटेड अंडर द सिटी टैब, जो सिटी टैब है उसके अंडर आपका ये मिंट एनएफटी सेक्शन अवेलेबल है। अच्छा जी, द वाउचर कैन बी एक्सचेंज आफ्टर द टोकन लॉन्च, ये टोकन के लॉन्च के बाद भी एक्सचेंज हो सकते हैं, और यू कैन वेट फॉर द टोकन लॉन्च एंड कन्वर्ट योर गेम एक्टिविटी इनटू द एक्स टोकन डायरेक्टली ड्यूरिंग द एयर ड्रॉप। ये आप सिंपल सा बताऊं तो वो कहते हैं कि आप जनाब लॉन्च से पहले, एयर ड्रॉप से पहले, एयर ड्रॉप के बाद, एयर ड्रॉप के दौरान, जब आपका दिल करे आप उनको बाय सेल कर सकते हो। उसके बाद ये कहते हैं नो वन नोज, कोई नहीं जानता व्हाट द प्राइस ऑफ टोकन, क्या उसकी प्राइस होगी। द लिस्टिंग प्राइस कुड बी इवन जीरो, जीरो प्राइस भी हो सकती है या ड्राउ देन आना। सो कीप दिस इन माइंड व्हेन ट्रेडिंग वाउचर, तो वाउचर की ट्रेडिंग करते वक्त इन चीजों को जहन में रखिएगा। इफ मिंटिंग वाउचर्स नॉट अवेलेबल फॉर यू, अगर आपके लिए वाउचर अवेलेबल नहीं है, डोंट वरी, कीप प्रोसेसिंग इन द गेम, गेम में आगे बढ़ते जाएं, एंड एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट पर द अबिलिटी टू मिंट वाउचर मे बिकम अवेलेबल टू यू, तो किसी मुकाम पर आपको वाउचर मिल सकता है। अच्छा बात है। द प्री मार्केट सपोज टू एक्स टोकन लिस्टिंग थ्रू रॉयल्टीज, 20% ऑफ एनएफटी वाउचर आर डायरेक्टली अवॉइडेड लिक्विडिटी फॉर द टोकन लिस्टिंग, तो टोकन लिस्टिंग पे आपको 20% उसका मिलेगा। अब लास्ट पे द वाउचर अवेलेबल फॉर माइंटिंग आर नॉट ऑल द टोकन यू आर इंटाइटल्ड टू इन द एयर ड्रॉप बट ओनली पोर्शन ऑफ देम, तो यहां पे जितना भी एयर ड्रॉप होगा उसका सारा आपको वाउचर नहीं मिलेंगे लेकिन उसका कुछ हिस्सा मिलेगा। चलिए आप जरा डायरेक्ट प्ले के ऊपर क्लिक करके हम जाते हैं एक्स एम्पायर पे और वहां पे जाके देखते हैं कि एक्स एम्पायर कैसा है, कैसे काम होता है। 30 सितंबर को इसका एयर ड्रॉप आ रहा है तो वहां पे हम कितना कमा सकते हैं। यहां पे इलॉन मस्क भैया की तस्वीर है, 19 दिन बाकी रह गए हैं,
ये अच्छी बात है, 19 दिन बाकी रह गए हैं, तो चलो फिर आप काम करके देखते हैं। लोडिंग सीन चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स एम्पायर पे आ चुके हैं, टैब में पे क्लिक किया और टैब में पे क्लिक करके यहाँ पे इलॉन मस्क भैया बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो ही जा रहे हैं। और यहाँ पे हम टैप कर करके उनको बड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ पे टैपिंग से ही वो बड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो किधर गया वाउचर, वो किधर गया मिंट NFT जिस पे हमने वाउचर को सील करना था। तो यहाँ पे तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना है कि प्रॉफिट पर टैप यहाँ पे 5 है, अब ये छोटे हो रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमने क्या करना है, हमने टैप कर करके इनकी एनर्जी को ख़त्म करना है। तो मैं पहले इनकी एनर्जी को ख़त्म कर लूँ, फिर आपको बाद में बताता हूँ कि मैंने इनका करना क्या है। इस वक्त जो है मेरा लेवल यहाँ पर तकरीबन 6000 के करीब होने जा रहा है। लो जी 6000 हो गया और इनकी बैटरी भी जो है वो ख़त्म हो गई है। लो जी इलॉन मस्क भैया का तो काम हो गया ख़त्म। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलते हैं सिटी में। सिटी में गए, यहाँ पे ये है मिंट NFT, इसके ऊपर क्लिक किया बट ये लॉक है। और इसके बाद यहाँ पे आ गए हम दोस्तों माइनिंग में। माइनिंग में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास और कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे है अब यहाँ पे हमने इम्प्रूव पे क्लिक किया, तो यहाँ पे वो सारा तरीका है जो हमने कार्ड को इम्प्रूव करने में लगाया था अपने हैमस्टर कॉम्बैक्ट में, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखें, ब्रेन है, स्लीप है, न्यूट्रिशन है, सारा हमने यहाँ पे करना है। यहाँ पे देते जाएंगे मिलता जाएगा, देते जाएंगे मिलता जाएगा, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तक तो दोस्तों हमने बात की है यहाँ पे वाउचर्स की, बट इस लेवल पे हमें वाउचर अवेलेबल नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इस पर मज़ीद काम करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे कि इस पर हमने कैसे काम करना है, किस तरह से हम यहाँ पर टैप पर आवर बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपना वाउचर लेके आ सकते हैं, फर्दर इसका स्टेप क्या होगा, कितना यहाँ से ड्रॉप किया जा सकता है, कितना यहाँ से कमाया जा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपने से ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।